इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग एसेट्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसेट्स और एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है। एन एसेट इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग एसेट्स एंड वीक एसेट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोजन आयंस का प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स के डिसोसिएशन को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स के स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, विच मीन्स हम स्ट्रॉन्ग एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो टूट जाएंगे और हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे, जिस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर। सेकेंड टाइप ऑफ एसिड्स आर वीक एसिड्स। एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स आर एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। व्हेन दीज एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। वीक एसिड्स प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, विच मीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और वीक एसिड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन अंडरगो नहीं करते हैं, इसलिए हम इनकी डिसोसिएशन को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से एक एरो आयंस की तरफ पॉइंट करता है और दूसरा एरो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ पॉइंट करता है। नाउ व्हाट इज बेसिसिटी? कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल एसिड में, वो उस एसिड की बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये सभी एसिड्स के एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, तो ये सब एसिड्स मोनोबेसिक हैं या फिर इनकी बेसिसिटी वन है। वो एसिड्स जिनका एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होकर दो हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है, उन एसिड्स को डाई बेसिक एसिड कहते हैं और इन एसिड्स की बेसिसिटी टू होती है। लाइकवाइज ट्राई बेसिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनका एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसोसिएट होकर थ्री हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल वन मॉलिक्यूल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होकर थ्री हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राई बेसिक और वी कैन से बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज थ्री। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। We know that base is a substance which gives hydroxide ion when dissolved in water. Bases can be strong or weak. Examples of strong bases are sodium hydroxide and potassium hydroxide. Examples of weak bases are ammonium hydroxide and calcium hydroxide. Strong base ko jab water mein dissolve karenge to wo puri tarike se dissociate ho jayega, toot jayega aur hydroxide ions produce karega. स्ट्रॉन्ग बेसिस में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, दैट मींस अगर हम एन मॉलिक्यूल्स लेंगे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, इनके डिसोसिएशन को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। अगर हम एन मॉलिक्यूल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक वीक बेस है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे, इसलिए हम वीक बेसिस के डिसोसिएशन को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो आयंस प्रोड्यूस्ड की तरफ पॉइंट करता है और दूसरा एरो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ पॉइंट करता है। एसिडिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। किसी बेस का एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होकर
जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस देगा वो उस बेस की एसिडिटी होती है। एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मोनो एसिडिक और वी कैन से एसिडिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर इट गिव्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स, सो वी कैन से एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डाई एसिडिक।